Hi friends, good morning, good afternoon, good evening, आदाब, सत श्री अकाल। नवरत्न अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बेसिकली हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चैप्टर ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री को हिंदी में हम बेसिकली बोलते हैं ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर हम क्या पढ़ते हैं भाई, बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं, और समांतर रेखाएं क्या हैं, और इनके सारे एंगल्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल छोटी छोटी और बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, आइए इन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ज्योमेट्री है क्या, ज्यामिति हम किसे कहते हैं। ज्यामिति की जब बात करेंगे तो भाई ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वह सेक्शन है या वह शाखा है जिसमें हम टू डायमेंशंस, वन डायमेंशन, जीरो डायमेंशंस के फिगर्स की स्टडी हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी आता है जीरो डायमेंशन की। जीरो डायमेंशन क्या है भाई, जीरो डायमेंशन का मतलब ऐसा फिगर जिसकी एक भी डायमेंशन ना हो, यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट ना हो, उसे हम बोलते हैं जीरो डायमेंशन। अब जीरो डायमेंशन फिगर कौन सा हो सकता है, सब लोग जानते हैं पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है यहां पे पॉइंट, यानी जीरो डायमेंशन और नो डायमेंशन में सबसे पहला फिगर है पॉइंट। हम पॉइंट किसे कहते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहां पे, बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना मोटाई होती है। सीधी सीधी बात है, ऐसी आकृति जिसमें ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, उसे हम बोलते हैं बिंदु। जैसे कि ए एक क्या है, बिंदु है। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी ने आपसे पूछा कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, तो इसका आंसर रहेगा एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये बिंदु है तो हमने यहां से रेखा खींच दी, यहां से रेखा खींच दी, यहां से रेखा खींच दी, यहां से, ऐसी न जाने कितनी रेखाएं हम खींच सकते हैं। इसीलिए एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ये था पॉइंट का पॉइंट नंबर वन। अब पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू कहता है दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी सीधी सीधी बात है, अगर आपके पास किसी प्लेन में टू पॉइंट्स हैं, तो आप उन टू पॉइंट्स से केवल एक और एक ही रेखा खींच सकते हो। जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब इस पॉइंटों को गुजरते हुए आप कितनी रेखाएं खींच सकते हो, पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम एंड मिनिमम ओनली वन लाइन। देखिए ए और बी को जोड़ेंगे तो हम सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा रेखाएं संभव नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि दो बिंदुओं से होकर के कितनी रेखाएं गुजरती है, तो इसका आंसर रहेगा केवल एक और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से गुजर के सिर्फ एक रेखा खींची जाती है। अब आते हैं इसके पॉइंट नंबर थ्री पे। पॉइंट नंबर थ्री क्या है, देखिए तीन या अधिक बिंदुएं समरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर स्थित हो। यानी कि सीधी सीधी बात है, अगर कोई भी तीन बिंदु एक ही रेखा पर है तो उन्हें हम बोलते हैं संरेख बिंदु, या इंग्लिश में बात करें कोलिनियर पॉइंट्स। यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं उन्हें हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, या फिर संरेख बिंदु वे बिंदु कहलाते हैं जो एक ही रेखा पर होते हैं। ठीक है, तीन या अधिक बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित ना हो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। यानी ऐसे बिंदु
जो एक रेखा पर स्थित ना हो उन्हें हम असंरेख बिंदु कहते हैं। देखो संरेख बिंदु का उदाहरण जैसे पॉइंट नंबर ए है, पॉइंट नंबर बी है और पॉइंट नंबर सी है। तो ये तीनों के तीनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित हैं, इसीलिए ये बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु। मींस समान रेखा पर स्थित, एक ही रेखा पर स्थित बिंदुओं को हम संरेख बिंदु कहते हैं। अब यहां पे देखो एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है और ये तीसरा सी है। अब ये तीनों पॉइंट अलग अलग रेखाओं पर स्थित है, इसीलिए ये बिंदु कहलाएंगे असंरेख बिंदु। ठीक है। अब बिंदु का एक चौथा पॉइंट है, उससे पहले एक और पॉइंट है, दो बूंदें सदा संरेख होती हैं। बहुत सही बात है, सिंपल बात है कि कोई भी टू पॉइंट हमेशा हमेशा संरेख होते हैं, असंरेख कभी हो ही नहीं सकते। जैसे कि मान लो ये दो पॉइंट है, अब इससे एक रेखा गुजरनी है, जब एक रेखा गुजरनी है तो दो बिंदु क्या होते हैं? हमेशा संरेख होते हैं। हाँ, तीन बिंदु संरेख भी हो सकते हैं और असंरेख भी हो सकते हैं, लेकिन अगर दो बिंदु की बात करी जाए तो दो बिंदु कभी भी असंरेख नहीं हो सकते, हमेशा संरेख ही रहेंगे, क्योंकि दो बिंदुओं से हमेशा एक रेखा गुजर कर जाती है, और जब एक ही रेखा पर दो बिंदु आ जाए तो वो संरेख कहलाते हैं। इसीलिए पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो बिंदुएं सदा संरेख होती हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर चार पे। चार या चार से अधिक बिंदुएं एक वृत्तीय कहलाती हैं यदि उनसे होकर एक वृत्त गुजरे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चार बिंदु या चार से अधिक बिंदु हो और उनसे एक वृत्त गुजरता है तो चारों के चारों बिंदु एक वृत्तीय कहलाते हैं। जैसे कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। इन चारों पॉइंटों से एक वृत्त गुजर रहा है, इसीलिए हम इन्हें कहेंगे कि ए बी सी डी एक वृत्तीय बिंदु है, ए बी सी डी एक वृत्तीय बिंदु है। अब आते हैं पॉइंट नंबर पांच पे। कोई भी तीन असंरेख बिंदुएं हमेशा एक वृत्तीय होती है। बहुत ही सही बात और बहुत ही बढ़िया बात कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तीन बिंदु और तीन असंरेख बिंदु एक वृत्तीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीन असंरेख बिंदु हमेशा हमेशा एक वृत्तीय होते हैं। ए बी और सी, इनसे हम एक वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं, इनसे हम एक वृत्त गुजार सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगी? कौन सा ए। तो आपको याद रखना है कि तीन असंरेख बिंदु हमेशा हमेशा एक वृत्तीय होते हैं। थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज साइक्लिक। थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स और ऑलवेज साइक्लिक। अब आते हैं इसके लास्ट पॉइंट पे। एक वृत्त हमेशा तीन असंरेख बिंदुओं से होकर गुजरती है। उसी बात को रिपीट किया गया है कि एक वृत्त से हमेशा कम से कम तीन असंरेख बिंदु गुजरते हैं। तो ये था जीरो डायमेंशन के बारे में, यानी बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु की क्या विशेषताएं हैं, इस पे हमने इस पे भी चर्चा करी। अब जीरो डायमेंशन का सेक्शन खत्म हुआ, अब चलते हैं टू डायमेंशन पे, सॉरी वन डायमेंशन पे। पहले जीरो डायमेंशन, उसके बाद अब हम आते हैं वन डायमेंशन पे। वन डायमेंशन क्या है भाई? जिसमें या तो सिर्फ लंबाई हो, या सिर्फ चौड़ाई हो, या सिर्फ मोटाई हो, यानी एक ही डायमेंशन हो। आइदर इट मे बी लेंथ और इट माइट बी ब्रेथ और इट मे बी हाइट। या तो लंबाई हो, या चौड़ाई हो, या ऊंचाई हो, कोई एक डायमेंशन हो तो उस फिगर को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल फिगर। जैसे कि कोई धागा है तो क्या है? वन डायमेंशन।
एक नीडल है, पतली सी नीडल है, वो क्या है, वन डायमेंशन, रेखा है वन डायमेंशन, रेखा खंड है वन डायमेंशन, किरण है वन डायमेंशन, यानी एक बिमी। तो देखो वन डायमेंशन में ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहला हम चर्चा करते हैं वो करते हैं रेखा। कक्षा 8 में कक्षा 9 में बच्चों से पूछा जाता है कि रेखा और रेखाखंड में डिफरेंस क्या है, रेखा रेखाखंड और किरण में डिफरेंस क्या है। तो आइए इस पे अपन चर्चा करते हैं। रेखा एक ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है उसे हम रेखा कहते हैं। यानी रेखा बेसिकली क्या है, ऐसी एक सरल रेखा है जो अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है उसे हम रेखा कहते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, अगर ये रेखा है तो हम इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, साथ में इस साइड से भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। यानी किसी भी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा को हम दोनों तरफ अनंत तक बढ़ा सकते हैं उसे हम रेखा कहते हैं। रेखा को हम या तो ऐसे लिखेंगे रेखा PQ, या फिर P को लिख करके उस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें दोनों तरफ एरो होंगे। वो एरो हमें क्या बताएंगे कि ये चीज रेखा है। जैसे हमने लिख दिया AB और A लगा दिए एरो ऊपर, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, एक रेखा है जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये सिंबल है, बहुत काम की चीज है, आप इन सिंबल्स को याद करिए। दूसरा देखिए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट बेसिकली रेखा का ही एक भाग है। इसको परिभाषा के रूप में बोला जाए तो रेखा खंड रेखा का एक टुकड़ा होता है। रेखा खंड रेखा का एक टुकड़ा होता है। अब बात आती है डिफरेंस क्या है। देखिए रेखा को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं लेकिन रेखा खंड को नहीं बढ़ा सकते। रेखा खंड की लेंथ जो है वो फिक्स रहेगी। तो जैसे बोला PQ, तो ये PQ फिक्स्ड है। अगर ये बोला 10 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर हम यहां बोल देंगे रेखा तो इसकी लेंथ हम फिक्स नहीं कर सकते, ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि रेखा की लंबाई अनंत होती है लेकिन रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है। रेखाखंड को कैसे लिखते हैं? या तो आप सीधा लिख दो रेखाखंड PQ, या फिर PQ के ऊपर एक लेंथ खींच दो छोटी सी, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, रेखा खंड। अब आते हैं रे यानी किरण पे। किरण क्या है? एक रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु होता है, यानी रेखा का वह भाग जिसका एक बिंदु होता है फिक्स लेकिन दूसरा बिंदु फिक्स नहीं होता है, इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है रेखा को दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, रेखा खंड को कहीं से नहीं बढ़ा सकते लेकिन किरण को एक तरफ से बढ़ा सकते हैं दूसरी तरफ से नहीं बढ़ा सकते हैं। रेखाखंड को कैसे लिखेंगे, किरण को कैसे लिखेंगे, किरण PQ या फिर PQ के ऊपर एक एरो, ठीक है। अब चलते हैं पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं या अप्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर समानांतर अप्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए एक तल की दो भिन्न रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, चाहे वे दोनों तरफ कितनी भी बढ़ाई जाए, यानी एक ही तल में दो ऐसी रेखाएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जो कॉमन हो। तो AB रेखा और CD रेखा में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग रेखाएं हैं, इसीलिए ये रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AB दिस इज सिंबल ऑफ पैरेलल, AB पैरेलल टू CD। अब इसका एक पॉइंट है, दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हमेशा समान होती है। इस पॉइंट को आप याद करिएगा, किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच हमेशा जो डिस्टेंस रहता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, वो हमेशा सेम और फिक्स होता है। यानी ये डिस्टेंस कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। अब चलते हैं, इसका एक और पॉइंट है,
यदि दो रेखाखंड, यदि दो रेखाखंड एक ही सतह के साथ समान कोण बनाए तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। यानी देखो ये है एक रेखाखंड, इस पे ये समांतर रेखाएं बनाई तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर। या फिर किसी एक रेखाखंड में दो रेखाएं बराबर कोण बनाए तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। तो ये वन डायमेंशन का सेक्शन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपन टू डायमेंशन पे। देखिए टू डायमेंशन मतलब ऐसी फिगर जिसमें दो डायमेंशन हो, लंबाई चौड़ाई या फिर लंबाई फिर ऊंचाई, तो टू डायमेंशन उसमें होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं टू डायमेंशन फिगर। देखिए टू डायमेंशन की बात करेंगे ज्योमेट्री के अंदर तो सबसे पहले चर्चा करी जाती है एंगल की। एंगल क्या है? व्हाट इज दिस एंगल? कोण किसे कहते हैं? तो देखो यदि दो रेखाखंडों किरणों एक ही अंत बिंदु हो, यदि दो रेखाखंडों किरणों के एक ही अंत बिंदु हो तो इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं? यानी दो रेखाखंड, दो रेखा किरण का एक अंत बिंदु हो कॉमन, तो वहां पे क्या बनती है कोण? वहां पे क्या बनता है कोण? तो देखो ये रेखा है, किरण है, यहाँ पे जो कोण बना इसको बोलते हैं हम, यहाँ जो आकृति बनी इसे बोलते हैं हम कोण। जैसे कोण एबीसी या फिर कोण एबीसी, तो बी वाला क्या माना जाएगा? कोण। ठीक है, अब देखो कोण कितने प्रकार के हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून मतलब कम, न्यून कोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो। यानी न्यून कोण या एक्यूट एंगल उन्हें कहते हैं जिनकी माप 90 डिग्री से कम हो, उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। एबीसी लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल समकोण, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, यानी दो एंगल्स हूज मेजरमेंट इज 90 डिग्री, ऐसे कोण जिनकी माप 90 डिग्री होती है उन्हें हम समकोण कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था राइट एंगल के बारे में। नेक्स्ट जो कोण है वही है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। यानी ऑब्ट्यूस एंगल वे एंगल होते हैं जिनकी माप 90 डिग्री से तो ज्यादा हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे हम बोलते हैं अधिक कोण। देखिए ये जो एंगल दिखता है एबीसी, ये जो है 90 डिग्री से तो ज्यादा है बट 180 डिग्री से कम है, तो कोण एबीसी क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। या निम्न बात करें तो रिजु कोण। रिजु कोण क्या होता है? वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे हम रिजु कोण या फिर सरल कोण कहते हैं। यानी वह कोण जिसका मान 180 डिग्री हो या जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो उसे हम स्ट्रेट एंगल या फिर रिजु कोण कहते हैं। जैसे ए बी सी, तो ये जो कोण है ये कितना है 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा? सरल कोण या फिर रिजु कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में कहते हैं पुनर्युक्त कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। वह कोण जिसकी माप दो समकोण से बड़ी तथा चार समकोण से छोटी हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। दो समकोण का मतलब हुआ 90 प्लस 90 यानी कि 180 डिग्री, और चार समकोण का मतलब हुआ 490 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। तो वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से तो ज्यादा हो परंतु 360 डिग्री से कम हो। जैसे ये देखिए आप ए बी सी, तो 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 से कम है, तो ये कोण ए बी सी क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360,
देन एबीसी इज अ रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है भाई, यहां पे मिस हो गया, संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। जैसे कि वृत्त की बात करो तो वृत्त का टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी स्क्वायर की बात करो टोटल एंगल कितना होता है 60 डिग्री। किसी स्क्वायर की बात करो टोटल एंगल कितना होता है 60 डिग्री। यानी 60 डिग्री सॉरी 360 डिग्री, 360 डिग्री वाले कोण को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू एंगल, कोण से संबंधित शब्द। सबसे पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। यदि दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। यानी सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री देन दीज एंगल्स आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि दो कोणों का जो जोड़ है, दो कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री हो तो उन्हें हम कहेंगे पूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी संपूरक कोण, यदि दो कोणों की माप 180 डिग्री हो तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण को हम कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। पूरक कोण को हम कोटि पूरक कोण भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल का मतलब हिंदी में होता है आसन्न कोण। देखो ध्यान से, यहाँ पे काफी लंबी डेफिनेशन है बट बहुत आसान है। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा की दूसरी ओर हो। अब काफी लंबी डेफिनेशन है, शायद यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, फिगर में ध्यान देखने से। यहाँ पे देखो ये जो भुजा है ये कॉमन है, ये इस एंगल के लिए भी ये भुजा है और इस एंगल के लिए भी ये भुजा है। तो इस उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ ये वाली भुजा, इस उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ ये वाली भुजा, तो ये जो दोनों कोण है क्या कहलाएंगे, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई, एक हो जाएगी आसन्न कोण। ठीक है, यानी एंगल POQ और एंगल QOR क्या है, आसन्न कोण। अब बात करते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, रैखिक युग्म कोण। दो आसन्न कोण जिनकी भिन्न भुजाएं दो विपरीत किरणें हो उन्हें रैखिक युग्म कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए आप, एक किरण यहां चली गई दूसरी किरण यहां चली गई, तो ये वाले आसन्न कोण क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कोण। थर्ड है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी शीर्षाभिमुख कोण। दो कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत, उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के दो युग्म हो। देखो यहां पे ये दो किरणें हैं, अब ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला कोण एंड ये वाला कोण क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट।